फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट सैंडविच जो कि बिल्कुल चुटकियों में बन जाता है। तो इसे तब बनाएं जब आपके पास फुर्सत बहुत कम हो लेकिन आप फिर भी एक डेजर्ट खाना चाहते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है, आपके पास लॉकडाउन में जो भी है बस उससे बना दीजिए। तो आइए बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के पहले हम तैयारी कर रहे हैं मैंगो और बीटरूट सालसा की। तो उसके लिए हमने बीटरूट लिया हुआ जिसे हमने बॉईल करके पील करके काटा हुआ है। और अब हम एक मीठे मैंगो को काट रहे हैं। दोनों को हमने छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। बस इसके साथ हमारी तैयारी हो गई सालसा की। अब बनाते हैं हमारा सैंडविच। चॉकलेट सैंडविच बनाने के लिए हमने लिए हुए 4 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ भी बड़ा मज़ा आता है। हम इसे पहले काट रहे हैं एक ग्लास के साथ राउंड शेप में। आप वैसे कोई भी शेप कर सकते हैं, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आप ट्राइंगल्स में भी बना सकते हैं या आप स्क्वायर्स भी रख सकते हैं, लेकिन किनारी ज़रूर निकाल दीजिएगा इसके। तो हमारे चारों ब्रेड्स कट चुके हैं। इन पर सबसे पहले हम लगाएंगे बटर। हम लगा रहे हैं रेगुलर सॉल्टेड बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इस पर देसी घी भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास देसी घी भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लगाएं तो भी ये बड़ा टेस्टी बनता है। वैसे इसमें रेगुलर ऑयल मत डालिएगा, उसके साथ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारा बटर लग चुका है। अब इसमें डाल रहे हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स। हमने लिए हुए हैं कुछ अखरोट और लिए हैं कुछ काजू। आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं। हमने छोटे पीसेस में काटा हुआ ये हम डाल रहे हैं काजू इसके ऊपर, कैश्यूज, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे अखरोट। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें चॉकलेट चिप्स। तो इस लॉकडाउन में हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं और कोई चॉकलेट नहीं है। आप चाहें तो कोई सा भी चॉकलेट डाल सकते हैं। आप इसमें अमूल चॉकलेट डाल सकते हैं, आप इसमें पूरा व्हाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं। जो भी चॉकलेट डालेंगे टेस्ट बड़ी अच्छी आती है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास व्हाइट चॉकलेट है, समझिए वो बहुत मीठा होता है, तो उसके साथ अखरोट जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो उसके साथ बादाम और काजू या किशमिश जो कि थोड़े से मीठे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। एक और चीज़, इसमें एक्लेयर्स जैसे हार्ड चॉकलेट्स डालने से इसकी टेस्ट ज़रा कम अच्छी लग सकती है। तो ये हमने रख दिए हैं चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर, और दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख रहे हैं बटर लगा के। बस ये हमारा सैंडविच की रेडीनेस हो गई है। अब इसे हम सैंडविच की तरह टोस्ट करेंगे। तो हमारे सैंडविच को टोस्ट करने के लिए हमने एक तवा रख दिया है प्रीहीट करने के लिए। उसके गर्म होते ही उसमें सबसे पहले लगा रहे हैं हम बटर। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर रेगुलर ऑयल भी लगा सकते हैं। सब चीज़ों के साथ ये बड़ा क्रिस्प बनता है, किसी भी ऑयल के साथ काफ़ी क्रिस्प बनता है सैंडविच। और हाँ, सैंडविच बनाते वक्त आपकी आँच धीमी और कम होनी चाहिए, नहीं तो जल्दी जल सकता है। एक और चीज़, इसे तवे पर रखते वक्त या पलटाते वक्त हो सकता है कि इसमें जो हमने फिलिंग डाली वो बाहर आ जाए, इसलिए इसे ज़रा दबाना पड़ता है। या तो आप चाहें तो इसके साइड्स में पानी लगा के आप इसे स्टिक कर सकते हैं, ब्रेड बड़ी जल्दी स्टिक हो जाती है। बस इसे दोनों तरफ से सेकना है, बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा। एंड देन द सैंडविच इज रेडी। बस इस सैंडविच को सर्व कर रहे हैं मैंगो और बीटरूट के सालसा के साथ। आप सालसा में कोई भी फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको बहुत पसंद है। आप मीठे भी ले सकते हैं, खट्टे मीठे भी ले सकते हैं। अब इनकी मिठास एनहांस करने के लिए हम इनके ऊपर डाल रहे हैं हनी। आप हनी के बजाय चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, आप मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, और आप स्ट्रॉबेरी सॉस भी डाल सकते हैं। तो देखा कितना आसानी से बन गया ये सैंडविच। इसके ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपका सैंडविच कैसे बना। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।